हमारा डायूरेटिक टॉपिक चल रहा था, जिसके अंदर हम पिछली क्लास के अंदर हाई एफिशिएंसी डायूरेटिक, मीडियम एफिशिएंसी डायूरेटिक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे वीक एफिशिएंसी डायूरेटिक, जो कि डायूरेटिक का ही कंटिन्यू पार्ट है। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लासेस में आपको बता चुका हूं कि जो नेफ्रॉन होता है उसके अंदर अलग अलग साइट्स प्रेजेंट रहती है, ठीक है। तो जो साइट फर्स्ट होती है वो होती है पीसीटी, और पीसीटी में एक्सचेंज होता है H प्लस आयन का, ठीक है। यहाँ पे देखो NaSCO3 है, ये H प्लस आयन का एक्सचेंज होगा यहाँ पे, जिसको अफेक्ट करता है कार्बनिक एनहाइड्रेस, ठीक है। और दूसरा एक्सचेंज होता है सोडियम का, ठीक है। दूसरी जो साइट थी लूप ऑफ हेनले, वो हम हाई एफिशिएंसी डायूरेटिक के अंदर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। साइट थर्ड हम मीडियम एफिशिएंसी डायूरेटिक के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। अब मैं आऊं साइट फोर के ऊपर, ठीक है। इसके अंदर मेनली क्या होगा कि अगर कोई भी इनहिबिशन नहीं हो रहा है, कोई भी इनहिबिशन नहीं हो रहा है, तो ये सोडियम को तो बॉडी के अंदर स्टोर कर लेगा, ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन के थ्रू, और पोटेशियम को यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देगा, ठीक है। अब ये तो हुआ नॉर्मल प्रोसेस कि कोई भी इनहिबिशन नहीं हो रहा है, ठीक है। एक ड्रग आती है पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक, वो इस नॉर्मल प्रोसेस को कर देती है इनहिबिट, ठीक है। पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक, स्पेरिंग का मतलब होता है सेव करना, और ये किसको सेव कर रही है, पोटेशियम को, ठीक है। तो इनहिबिट करके क्या करेगी कि साहब यूरिन को तो आप बाहर निकाल दो, ठीक है, सोडियम को तो यूरिन के थ्रू आप बाहर निकाल दो, और हमको सेव करने दो बॉडी के अंदर क्या, पोटेशियम, ठीक है। तो ये एक्शन हुआ पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक, ठीक है। तो आज हम हमारी क्लास में जो कि है वीक एफिशिएंसी डायूरेटिक, उसके अंदर हम मेनली डिस्कस करेंगे साइट वन, ठीक है, जिसके अंदर सोडियम और H प्लस आयन के एक्सचेंज को इनहिबिट करेंगे हम। दूसरा हम मेनली डिस्कस करेंगे साइट फोर, जिसके अंदर हम सोडियम और पोटेशियम के एक्सचेंज को इनहिबिट करके पोटेशियम को सेव करेंगे। यहां तक बात क्लियर आई? जैसा कि मैंने आपको बताया कि चार साइट्स थी, आज हम साइट वन, जिसमें सोडियम और H प्लस आयन का एंटीपोर्ट होता है, इसको इनहिबिट करेंगे, प्लस साइट फोर, ठीक है, जो कि डिस्टिल ट्यूबुल और कलेक्टिंग डक्ट से मिलकर बनी हुई है, इसमें सोडियम और पोटेशियम के एंटीपोर्ट को इनहिबिट करेंगे। तो फर्स्ट ड्रग आती है कार्बनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर, जिसमें एग्जांपल किस ड्रग का आता है, एसिटाजोलामाइड का। एसिटाजोलामाइड में याद रखना कि ये टेबलेट फॉर्म में आती है और 250 mg में अवेलेबल है। इसका मैकेनिज्म सिंपल सा है कि ये पीसीटी, जो कि साइट फर्स्ट है, उसके ऊपर एक्ट करेगी। पीसीटी का मैंने आपको बताया था कि दो आयन मेनली आएंगे, सोडियम और H प्लस, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि साहब H प्लस को तो बॉडी के अंदर कंज्यूम कर लेगा, और उसके एक्सचेंज में सोडियम को यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देगा, ठीक है। जब H प्लस बॉडी के अंदर कंज्यूम होगा तो कंडीशन देखने को मिलेगी एसिडोसिस, तो बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा, एसिडोसिस की कंडीशन हो जाएगी। फर्स्ट कंडीशन याद रखना, बॉडी के अंदर एसिडोसिस की कंडीशन होगी। अब मैंने आपको बोला था कि सोडियम यूरिन के थ्रू बाहर निकलेगा, तो वो क्या हुआ, साइट फर्स्ट से बाहर निकला, तो साइट सेकंड पे जाएगा, साइट थर्ड पे जाएगा, तो उसके ऊपर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो भी सोडियम को रिलीज ही कर रहे हैं। लेकिन जैसे वो साइट फोर पे जाएगा, वहां पे जाके वो ट्रैप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां का मैकेनिज्म ये कहता है कि साहब हमको क्या दे दो, सोडियम दे दो और पोटेशियम ले जाओ। साइट फोर कहती है कि हमको सोडियम दे दो और पोटेशियम दे जाओ, इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, जब कोई भी इनहिबिशन नहीं हो रहा हो साइट फोर के ऊपर। यहां तक बात क्लियर है? तो जब बॉडी सोडियम को वापस रीअब्सॉर्ब कर लेगी और पोटेशियम को यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देगी, तो ब्लड के अंदर हो जाएगी पोटेशियम की कमी, जिसको हम बोलते हैं हाइपोकैलेमिया। तो सेकंड कंडीशन आपको देखने को मिलेगी हाइपोकैलेमिया, यानी कि लो लेवल ऑफ पोटेशियम इन दी ब्लड, ठीक है। दूसरा मैंने बोला था कि बॉडी के अंदर हो रहा था एसिडोसिस। जब बॉडी के अंदर एसिडोसिस होगा तो जो SCO3 आयन था वो यूरिन के थ्रू बाहर निकलेगा, ठीक है, वो यूरिन के थ्रू बाहर निकलेगा, तो जो यूरिन है वो एल्कलाइन हो जाएगा, वो एल्कलाइज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तीन कंडीशन हमको मेनली देखने को मिली। फर्स्ट,
बॉडी के अंदर होगा एसिडोसिस, सेकंड होगा हाइपोकैलेमिया यानी कि ब्लड के अंदर पोटेशियम का लेवल कम, और थर्ड आपको देखने में मिलेगा एल्कलाइज यूरिन। यहां तक बात क्लियर है? अब सुनना मेन इंपॉर्टेंट बात, ड्यू टू इट्स सेल्फ लिमिटिंग एक्शन, सेल्फ लिमिटिंग एक्शन बोलूं तो, क्योंकि ये बॉडी के अंदर एसिडोसिस कर रहा है, हाइपोकैलेमिया कर रहा है, और इसका डायूरेटिक एक्शन जो है हाइपोकैलेमिया की वजह से कम हो जाता है, इसी वजह से इसको एज अ डायूरेटिक प्रिफर नहीं करते हैं। यहां तक बात क्लियर है? जब डायूरेटिक, कोई डायूरेटिक के यूज में नहीं ले रहे हैं तो इसको किस यूज में लेंगे? तो बात करते हैं अदर यूजेस की। तो इसको आप यूज ले सकते हो ग्लूकोमा में, किसमें? ग्लूकोमा में। ये वो कंडीशन होती है आई की जिसके अंदर ब्लाइंडनेस कॉज हो सकती है। ब्लाइंडनेस क्यों कॉज हो सकती है? क्योंकि जो कनेक्शन है आई से ब्रेन का, ठीक है, वो नर्व डैमेज हो जाती है एक्सेसिव प्रेशर की वजह से, और एक्सेसिव प्रेशर होता है एक्वस ह्यूमर की वजह से या फिर CSF की वजह से। अगर वो ज्यादा बढ़ जाए तो वो उस नर्व को डैमेज कर सकता है जिसकी वजह से ब्लाइंडनेस कॉज हो सकती है, और यही है ग्लूकोमा। ठीक है, तो यहां पे मैंने आपके सामने दो नाम लिए थे, एक्वस ह्यूमर एंड CSF। CSF मेनली स्पाइनल कॉर्ड का सिक्रीशन है, ठीक है, और मेनली जो आई का सिक्रीशन है वो है एक्वस ह्यूमर। ठीक है, और ये दोनों जो कॉन्स्टिट्यूएंट है ये रिच रहते हैं बाइकार्बोनेट से। ये किससे रिच रहते हैं? बाइकार्बोनेट से रिच रहते हैं। और मैंने आपको एक बात बोली थी कि ये जो अपन अभी पढ़ रहे हैं एसिटाजोलामाइड, ये यूरिन के थ्रू एल्कलाइन चीजों को निकाल रहा था, ठीक है, SCO3 को यूरिन के थ्रू बाहर निकाल रहा था। तो बॉडी के अंदर क्या होगा? एल्कलाइन चीज की होगी कमी। इसकी वजह से जो एक्वस ह्यूमर और CSF जो कि रिच है बाइकार्बोनेट में, उसकी भी होगी कमी, और ग्लूकोमा जैसी कंडीशन में रिलीफ मिलेगा। यहां तक बात समझ में आई? दूसरी कंडीशन सुनना, जब भी कोई एक्यूट ड्रग पॉइजनिंग होती है तो उसकी वजह से यूरिन एसिडिक हो जाता है। यूरिन क्या होता है? एसिडिक हो जाता है, उसको भी एल्कलाइन करने के लिए एसिटाजोलामाइड का यूज लिया जाता है। ठीक है, थर्ड कंडीशन आती है हमारे सामने एक्यूट माउंटेन सिकनेस। इसमें क्या होता है कि जो एटमोस्फेरिक प्रेशर है वो कम होने की वजह से हाइपोक्सिया की कंडीशन आती है। ठीक है, और हाइपोक्सिया की कंडीशन आने की वजह से बॉडी के अंदर होते हैं मिसबैलेंस। ठीक है, तो उसको सिम्टोमेटिक रिलीफ दिलाने के लिए एसिटाजोलामाइड का यूज लिया जाता है। सिम्टोमेटिक रिलीफ यानी कि इसमें नोजिया, हेडेक, डिस्कम्फर्ट फीलिंग आएगी, तो उसके सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए इसको यूज लिया जाता है। यहां तक बात क्लियर है? इन दी एक्यूट माउंटेन सिकनेस। ठीक है, अगर मैं एडवर्स इफेक्ट की बात करूं तो मैंने आपको बोला था कि बॉडी के अंदर एसिडोसिस कर रहा था, तो इसका फर्स्ट एडवर्स इफेक्ट आएगा एसिडोसिस। ठीक है, दूसरा मैंने आपको बोला था कि ये साइट 4 जो है वो सोडियम को ट्रैप कर लेगी, यानी कि बॉडी के अंदर रीअब्सॉर्ब कर लेगी सोडियम को, और उसकी जगह पोटेशियम को यूरिन के अंदर डाल देगी ताकि यूरिन के थ्रू पोटेशियम बाहर निकले। तो ब्लड के अंदर पोटेशियम की हो जाएगी कमी, जिसको हम बोलते हैं हाइपोकैलेमिया। तो हाइपोकैलेमिया भी इसका एडवर्स इफेक्ट है। ठीक है, दूसरे जो एडवर्स इफेक्ट है वो कॉमन है, जो आपके फेवरेट है, ड्राउजीनेस, फैटीग। ठीक है, एसिडोसिस की कंडीशन थी, इसकी वजह से एब्डोमिनल पेन भी हो सकता है डिस्कम्फर्ट की वजह से। और दूसरे अदर जो एडवर्स इफेक्ट आते हैं वो आते हैं फीवर और रैशेस। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस कि कब ये ड्रग नहीं देनी है। ठीक है, तो इसमें एक केस आता है लीवर डिजीज। ठीक है, क्या होता है कि मेनली अमोनिया का रिटेंशन हो जाता है। अगर अमोनिया का रिटेंशन हो गया तो वो इस कंडीशन को और ज्यादा वर्स कर सकती है, और इट मे लीड टू हेपेटिक कोमा। ठीक है, तो लीवर डिजीज और ज्यादा वर्स हो सकती है, हेपेटिक कोमा तक बात पहुंच सकती है, इसी वजह से इसको नहीं देते हैं। लीवर डिजीज की कंडीशन में पूरी कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहेगी। यहां तक बात क्लियर? फर्स्ट हमने पढ़ी थी एसिटाजोलामाइड, सेकेंड आती है पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक। ठीक है, सेकेंड आती है कौन सी? पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक। पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक में भी फर्दर सब डिवाइडेशन होगा, तो इसके अंदर फर्स्ट आती है एल्डिस्टोरोन एंटागोनिस्ट।
तो सबसे पहले गौर करना पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक के ऊपर। पोटेशियम आयन है आपको पता है, स्पेरिंग मतलब मैंने आपको बताया था जो सेव करेगा, ठीक है। तो ये वो डायरेटिक है जो कि पोटेशियम को बॉडी के अंदर सेव करने का काम करेगी, ठीक है। इसके अंदर फर्स्ट जो आता है वो आता है एल्डिस्टेरोन एंटागोनिस्ट, ठीक है। एल्डिस्टेरोन के बारे में सुनना, एल्डिस्टेरोन जो होता है वो सोडियम और वाटर रिटेंशन का काम करता है, ठीक है। लेकिन मैंने इसके बाद में क्या बोला, एंटागोनिस्ट, यानी कि अपन एल्डिस्टेरोन के अगेंस्ट वर्क करेंगे, यानी कि एल्डिस्टेरोन सोडियम और वाटर का रिटेंशन नहीं कर पाए, ये वो ड्रग होगी, ठीक है। जब सोडियम और वाटर का रिटेंशन नहीं होगा तो ये क्या करेगा, ये करेगा पोटेशियम स्पेरिंग एक्शन, यानी कि पोटेशियम को सेव करने का काम करेगा। इसके अंदर जो ड्रग आती है वो आती है स्पाइरोनोलैक्टोन, जिसका डोज होता है 25 to 50 mg। मैंने आपको साइट 4 के बारे में बताया था, साइट 4 के अंदर मैंने कहा था कि अगर पोटेशियम अंदर जाएगा, ठीक है, तो सोडियम बाहर निकलेगा, इनका एक्सचेंज होता है, ठीक है। नॉर्मली ये प्रोसेस ऐसे चलती है कि बॉडी को क्या करना होता है, सोडियम को बॉडी के अंदर रीअब्सॉर्ब करना होता है और पोटेशियम को बाहर निकालना होता है, ठीक है। लेकिन जो पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक है वो साइट 4 को करती है इनहिबिट, इसकी वजह से जो सोडियम है वो रीअब्सॉर्ब नहीं हो पाता है और वो किसको एब्जॉर्ब करती है, पोटेशियम को, ठीक है। और जो सोडियम भाई साहब है वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। यहां तक बात समझ में आई, तो अब इसका आगे मैकेनिज्म सुनना। साइट 4 जो है, ठीक है, वो एंटागोनाइज होगी एल्डिस्टेरोन की वजह से, ठीक है। इसकी वजह से जो पोटेशियम है वो बॉडी के अंदर रिटेन हो जाएगा, यानी कि कंडीशन आएगी हाइपरकैलेमिया, और जो सोडियम था वो यूरिन के थ्रू लॉस हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर है। अब इसको किस किस कंडीशन में हम यूज ले सकते हैं, तो पहली बात सुनना कि बॉडी के अंदर जो मैंने आपको बताया था कि जो एल्डिस्टेरोन है उसका काम है सोडियम एंड वाटर रिटेंशन का, ठीक है। और जो वाटर रिटेंशन है वो सोडियम बहुत अच्छे से करता है, ठीक है। सोडियम लेवल जितना ज्यादा होगा उतनी ही वाटर रिटेंशन होगी, ठीक है। और एडिमेटस कंडीशन के अंदर, एडिमेटस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि बॉडी के अंदर फ्लूइड रिटेंशन बढ़ जाती है। किसकी वजह से बढ़ी है, वो सोडियम की वजह से, ठीक है। तो हम क्या करें कि सोडियम का अगर हम अगेंस्ट वर्क कर दें तो फ्लूइड रिटेंशन हो जाएगी कम, ठीक है। तो कोई भी ऐसा कंडीशन, यानी कि मान लो नेफ्रोटिक हो या सीरोटिक एडिमा हो, उसकी वजह से हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म हुआ है, ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, एडिमा होगा, ठीक है। तो अपन यहां पे ड्रग दे रहे हैं एल्डिस्टेरोन एंटागोनिस्ट, तो किसके अगेंस्ट वर्क करेगी, वो हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म की वजह से, तो एडिमा करेगी कम, इसलिए हम इसको एडिमा के अंदर यूज ले सकते हैं। यहां तक बात समझ में आई है। सिंपल लैंग्वेज में सुनना है तो ये सुनो, जो एडिमा कोज हो रहा है वो सोडियम और वाटर रिटेंशन की वजह से हो रहा है, और जो एल्डिस्टेरोन एंटागोनिस्ट है वो सोडियम और वाटर रिटेंशन नहीं होने देगा, जिसकी वजह से एडिमा में रिलीफ मिलेगा। यहां तक बात क्लियर है। अब सुनो CHF, मैंने आपको बोला था कि जो सोडियम और वाटर रिटेंशन है, ठीक है, सोडियम करता है वाटर का रिटेंशन, ठीक है। ब्लड वेसल के अंदर अगर वॉल्यूम बढ़ गया तो हार्ट को पंप करने के लिए ज्यादा पावर लगानी पड़ेगी, ठीक है। यहां पे कंडीशन है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की, यानी कि हार्ट अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा, अच्छे से पंप नहीं कर पाएगा, तो कार्डियक वर्क बढ़ेगा, ठीक है। तो हम यहां पे ड्रग देंगे कौन सी, एल्डिस्टेरोन एंटागोनिस्ट, जिसकी वजह से वेसल के अंदर जो वॉल्यूम बढ़ा हुआ था वो कम हो और हार्ट अच्छे से पंप कर पाए, तो हार्ट को मिलेगा सर्वाइवल बेनिफिट। यहां तक बात क्लियर। थर्ड आता है टू प्रिवेंट हाइपोकैलेमिया। हाइपोकैलेमिया वो कंडीशन होती है जिसके अंदर ब्लड के अंदर पोटेशियम का लेवल कम हो जाए। नॉर्मल जो लेवल है सीरम पोटेशियम का वो होता है 3.5 to 5.3 mEq, ठीक है। तो अगर 3.5 mEq से पोटेशियम का लेवल ब्लड सीरम में कम हो गया तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे क्या, हाइपोकैलेमिया। यहां तक बात क्लियर है।
अब ये जो ड्रग है वो है पोटेशियम स्पेरिंग ड्रग, यानी कि वो पोटेशियम को करेगी सेव, तो पोटेशियम का लेवल ब्लड के अंदर बढ़ जाएगा। तो इसको हम हाइपोकैलेमिया की जो कंडीशन है उसको प्रिवेंट करने के लिए यूज में ले सकते हैं। अब जो दो ड्रग्स मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, हाई एफिशिएंसी एंड मीडियम एफिशिएंसी डायुरेटिक्स, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ये हाइपोकैलेमिया कॉज करती है, ठीक है। तो अगर आप हाई एफिशिएंसी डायुरेटिक यानी कि फ्रूसामाइड और टोरसामाइड दे रहे हो, या फिर मीडियम एफिशिएंसी डायुरेटिक यानी कि क्लोरहाइड्रोथाइजाइड दे रहे हो, तो उसकी वजह से हाइपोकैलेमिया हो सकता है, और उसको बचाने के लिए आप उन ड्रग के साथ में इसको यूज कर सकते हो। यहां तक बात क्लियर? अब सुनो एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट कॉमन कॉमन से वही है सारे, ड्राउजीनेस, कंफ्यूजन, एब्डोमिनल पेन, लेकिन इसमें जो मेन मेजर और इंपॉर्टेंट आता है जो आपको ध्यान देना है वो है ये कोस कर सकता है गाइनेकोमेस्टिया एंड इम्पोर्टेंस, ठीक है। गाइनेकोमेस्टिया मतलब कि ब्रेस्ट एनलार्जमेंट इन दी मेल्स, ठीक है। नॉर्मली ब्रेस्ट एनलार्जमेंट किस में होता है? फीमेल्स के अंदर। अगर मेल्स के अंदर हो जाए तो उसको हम बोलेंगे गाइनेकोमेस्टिया, ठीक है। दूसरा है इम्पोर्टेंस, ठीक है। गाइनेकोमेस्टिया और इम्पोर्टेंस इसके एडवर्स इफेक्ट हैं किसके? स्पाइरोनोलैक्टोन के, जो कि है एल्डिस्ट्रोन एंटागोनिस्ट, ठीक है। तो इसके क्या साइड इफेक्ट मेनली मैंने बताया आपको, गाइनेकोमेस्टिया एंड इम्पोर्टेंस। ये क्यों होगा? क्योंकि ये एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट शो करता है बाय एक्टिंग ऑन दी एंड्रोजेनिक एंजाइम और रिसेप्टर। यहां तक बात क्लियर? अब सुनो इंट्रैक्शन कि अगर आपने स्पाइरोनोलैक्टोन को किसी और ड्रग के साथ दिया तो क्या हो सकता है। तो जो नॉर्मल है उनकी हम बात करेंगे नहीं कि साहब आपने पैरासिटामोल के साथ दे दिया कोई असर नहीं पड़ रहा, तो मैं पैरासिटामोल के बारे में आपको नहीं बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा जो ड्रग कुछ ना कुछ असर दिखा सकती है, कोई ना कोई टॉक्सिक इफेक्ट दिखा सकती है, या फिर इफेक्ट को बढ़ा सकती है, ठीक है। तो हम बात करते हैं अब ड्रग इंट्रैक्शंस की। तो अगर आपने स्पाइरोनोलैक्टोन जो कि एल्डिस्ट्रोन एंटागोनिस्ट है, इसको अगर आपने एसीई इनहिबिटर्स के साथ दे दिया, एसीई इनहिबिटर्स में आपको एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के अंदर अच्छे से पढ़ा चुका हूं, ठीक है। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, एसीई इनहिबिटर्स, ठीक है। ये दोनों जो ड्रग्स हैं ये कोज करती है, ये कोज करती है हाइपरकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि इंक्रीज इन ब्लड लेवल, इंक्रीज इन पोटेशियम ब्लड लेवल, ठीक है। ये दोनों मतलब कि स्पाइरोनोलैक्टोन भी हाइपरकैलेमिया कॉज करती है और एसी इनहिबिटर भी हाइपरकैलेमिया कॉज करती है, ठीक है। तो अगर आपने दोनों ड्रग एक साथ दे रहे हो तो क्या होगा? हाइपरकैलेमिया प्लस हाइपरकैलेमिया इक्वल्स टू खतरनाक हाइपरकैलेमिया, यानी कि बॉडी के अंदर डेंजरस हाइपरकैलेमिया हो जाएगा जो कि वर्स कर सकता है कंडीशन को। यहां तक बात समझ में आई? दूसरा है स्पाइरोनोलैक्टोन, जिसके बारे में आपको बोला हाइपरकैलेमिया ये करता है, ठीक है। अगर इसको आपने किसी पोटेशियम सप्लीमेंट के साथ दिया तो प्रोनाउंस्ड हाइपरकैलेमिया बॉडी के अंदर हो सकता है। तो इन दो बातों का आपको मेनली ध्यान रखना है जब भी आप स्पाइरोनोलैक्टोन दे रहे हो। यहां तक बात समझ में आई? नेक्स्ट आती है इनहिबिटर ऑफ रीनल सोडियम चैनल। ये भी किसकी ड्रग है? पोटेशियम स्पेरिंग की। पोटेशियम स्पेरिंग डायुरेटिक जो हम पढ़ रहे हैं उसी की ड्रग आती है सेकंड, इनहिबिटर ऑफ सोडियम चैनल, यानी कि ये किसको इनहिबिट करेगी? रीनल सोडियम चैनल को। तो नाम से थोड़ा बहुत आपको समझ में आ रहा होगा कि ये सोडियम के एक्सचेंज में कुछ ना कुछ इंटरफेरेंस करेगी, ठीक है। दूसरा मैंने बोला कि कौन सी कैटेगरी की ड्रग है? पोटेशियम स्पेरिंग। स्पेरिंग में आपको पहले ही बताया कि ये पोटेशियम को सेव करने का काम करेगी, ठीक है। तो ये इनहिबिट करेगी रीनल सोडियम चैनल को, यानी कि ये सोडियम का एक्सचेंज नहीं होने देगी, और उसी से किसको बचाएगी? पोटेशियम को बचाएगी। इसका मैकेनिज्म अब पढ़ेंगे हम, पहले अब सुनो ड्रग्स। फर्स्ट ड्रग इसके अंदर आती है एमिलोराइड। एमिलोराइड 5 mg में जाएगी, और दूसरी जो ड्रग आती है वो आती है ट्राइएम्टरीन, जो कि 50-100 mg में जाएगी। अब सुनो मैकेनिज्म, जितनी भी पोटेशियम स्पेरिंग ड्रग्स हैं वो सारी की सारी
साइट फोर पे वर्क करेगी। किस पे वर्क करेगी? साइट फोर पे, यानी कि डीसीटी और कॉन्वोलेटेड कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर। यहां तक बात समझ में आया? वहां पे एक्ट करके ये क्या करेगी, इनहिबिट कर देगी सोडियम चैनल को साइट फोर के ऊपर, ठीक है। तो जो पोटेशियम है वो बॉडी के अंदर रिटेन रह जाएगा और जो सोडियम है वो यूरिन के थ्रू लॉस हो जाएगा। और यहां पे भी आपको वही कंडीशन देखने को मिलेगी, हाइपर कैलेमिया। अब इस ड्रग का आप कहां यूज कर सकते हो? तो साहब जो एमिलोराइड ड्रग है वो, इंपॉर्टेंट बात उसकी सुनना, वो ड्रग ऑफ चॉइस है लिथियम इंड्यूस नेफ्रोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडस का, ठीक है। अब लिथियम इंड्यूस नेफ्रोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडस क्या है ये सुनो, ठीक है। मेनली जो लिथियम है उसका खुद का कोई भी गेट नहीं होता है, मतलब कि खुद का कोई भी चैनल नहीं होता है जहां से वो एक्सचेंज हो सके, ठीक है। तो ये यूज लेता है सोडियम चैनल को, सोडियम के साथ ही ये निकल के और अपना एक्सचेंज कैरी आउट करता है, ठीक है। तो ये क्या होगा कि जैसे ये साइट फोर पे पहुंचेगा तो वहां पे क्या हो रहा था, सोडियम और पोटेशियम का एक्सचेंज, तो वहां पे डिस्टर्ब कर देगा एडीएच को, यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन को। उसकी वजह से बहुत ज्यादा यूरिन होगा, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पॉलीयूरिया। और ये कंडीशन हो जाएगी जो कि इंड्यूस हुई है किडनी की वजह से, ठीक है। मतलब कि इसमें किडनी कॉज आ रहा है, इसलिए मैंने इसको नाम दिया नेफ्रोजेनिक, यानी कि नेफ्रो की वजह से जनरेट हुई है नेफ्रोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडस, ठीक है। और उसको ट्रीट करने के लिए हम कौन सी ड्रग यूज में लेंगे, एमिलोराइड। ये ड्रग ऑफ चॉइस है अगर लिथियम इंड्यूस नेफ्रोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडस हुआ है तो। नेक्स्ट क्लास हमारी आती है ओस्मोटिक डायूरेटिक्स। ओस्मोटिक डायूरेटिक सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, नाम आता है मैनिटोल, जो कि 10-20% सॉल्यूशन में अवेलेबल है। 100 ml में भी मिल जाएगी तो 350 ml में भी मिल जाएगी, मेनली 100 ml यूज लेते हैं। अब सुनो इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक है, इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं मिलेंगे। दूसरी बात, लो मोलिकुलर वेट होता है इसका, फार्माकोलॉजिकल इनर्ट होती है ये, ठीक है। खुद का जो एक्शन है बस वही करेगा, उसके अलावा कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाइपरटोनिक और हाइपर ओस्मोलर सॉल्यूशन होता है ये, ठीक है। तो जो मैंने फोर्थ पॉइंट बोला है, हाइपरटोनिक और हाइपर ओस्मोलर, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैनिटोल के लिए, ठीक है। इस पॉइंट को साइड में रखते हुए पहले मैं जनरल बात सुनो, एक होता है आइसोटोनिक, ठीक है, जिसकी कंसंट्रेशन एकदम इक्वल रहती है, हाँ। दूसरा होता है हाइपरटोनिक और तीसरा होता है हाइपोटोनिक। तो जो हाइपर है, ठीक है, पर यानी चिड़िया का पर, वो क्या करता है, उड़ जाता है। यानी कि जब भी हाइपर वर्ड आएगा तो समझ जाना कि ये सेल से बाहर निकलेगा सॉल्यूशन, ठीक है, सेल से बाहर निकलेगा सॉल्यूशन, सेल के अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। और जो दूसरा वर्ड मैंने आपको बोला था हाइपो, ठीक है, दूसरा वर्ड मैंने क्या बोला था आपको, हाइपो, तो जो अपन सुई पोते हैं तो उसमें धागा सुई के अंदर जाता है, ठीक है। तो हाइपो जो सॉल्यूशन होगा, हाइपोटोनिक जो सॉल्यूशन होगा वो सेल के अंदर जाएगा। यहां तक बात क्लियर है? तो मैंने अभी मैनिटोल के अंदर आपको बोला है कि ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, यानी कि सेल के अंदर नहीं जाएगा, सेल के बाहर ही रहेगा, बाहर ही जाएगा। यहां तक क्लियर है? अब सुनो मैकेनिज्म। मैंने आपको फोर्थ पॉइंट में बोला था कि मैनिटोल जो है वो सेल के अंदर एंटर नहीं होता, क्यों, क्योंकि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। क्योंकि ये सेल के अंदर एंटर नहीं होता है, इसी वजह से ये फिल्टर होता है आराम से ग्लोमेरुलस के अंदर, ठीक है। क्योंकि ये सेल के अंदर नहीं जा रहा तो ये प्लाज्मा की कंसंट्रेशन, प्लाज्मा का जो ऑस्मोलरिटी है उसको बढ़ा देगा, ठीक है। जब वो बढ़ेगा तो जीएफआर बढ़ जाएगी, ये सब बढ़ने की वजह से इंक्रीज आएगा ऑस्मोलरिटी में एट द ट्यूबुलर फ्लूइड, ठीक है। तो ट्यूबुलर फ्लूइड की ऑस्मोलरिटी भी बढ़ जाएगी, और जो मैनिटोल है उसका काम क्या है, ऑस्मोलरिटी बढ़ाएगा ये, है ना। इन सब रीजन की वजह से ये इनहिबिट करेगा एब्जॉर्प्शन ऑफ द वॉटर एंड सोडियम क्लोराइड इन द पीसीटी एंड लूप ऑफ हेनले,
लूप ऑफ हेनले और पीसीटी के अंदर ये एब्जॉर्प्शन गिरा देगा वाटर और सोडियम क्लोराइड का। और जैसे ही मैंने आपको पहले ही बताया था, जब भी ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन घटता है तो डायूरेसिस इफेक्ट बढ़ता है, ठीक है, और इसी की वजह से डायूरेसिस इफेक्ट शो करेगा। यहाँ तक बात समझ में आई? पहला मैकेनिज्म मैंने आपको बता दिया डायूरेसिस का कि ये कैसे डायूरेसिस करेगा। अब दूसरा मैकेनिज्म सुनो, ऑन दी अदर हैंड मैनिटोल एज मैनिटोल डू नॉट एंटर इन द सेल। व्हाई? बिकॉज इट इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है, क्योंकि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है ये, मैनिटोल जो है वो सेल के अंदर एंटर नहीं करेगा, ठीक है, तो ये एनकरेज करेगा वाटर को कि साहब अब बाहर निकलो। कहाँ बाहर निकलो? तो ये क्या करेगा, एनकरेज करेगा मूवमेंट ऑफ द वाटर फ्रॉम ब्रेन पेरेन्काइमा एंड फ्रॉम द CSF यानी कि सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड एंड एक्वस ह्यूमर। ये मूवमेंट ये एनकरेज करेगा वाटर के मूवमेंट को कि ये ब्रेन पेरेन्काइमा से निकले, और इसकी वजह से क्या होगा कि अगर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, अब प्रेशर इंक्रीज कहाँ कहाँ हो सकता है, ये इंक्रीज हो सकता है इंट्राक्रैनियली, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ICP इंट्राक्रैनियल प्रेशर, या फिर ये बढ़ सकता है इन दी आई जिसको हम बोलते हैं इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर, ठीक है। तो ये अपने ऑस्मोटिक एक्शन की वजह से वहाँ पे जो प्रेशर है बाय द मूवमेंट ऑफ द वाटर, ये क्या कर रहा था, मूवमेंट हटा रहा था वाटर का, इसी वजह से जो इंट्राक्रैनियल प्रेशर और इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर है उसको डिक्रीज कर देगा और कंडीशन वर्स नहीं होगी। अब इसके यूजेस सुनो, मैंने आपको बताया कि ये डिक्रीज कर रहा है ICP और IOP को, है ना, तो कोई भी ऐसी कंडीशन जिसके अंदर ICP और IOP इंक्रीज हो सकता है उसके अंदर हम इसको यूज लेंगे। किसको? मैनिटोल को। मैनिटोल कितने परसेंट सॉल्यूशन में अवेलेबल है? 10% और 20% सॉल्यूशन में। यहां तक बात क्लियर है? तो मैंने आपको बोला कि आप ICP और IOP डिक्रीज करने के काम में इसको ले सकते हो। तो अगर कोई आई की सर्जरी होनी है या फिर ब्रेन की सर्जरी होनी है, ठीक है, तो बिफोर द सर्जरी एंड आफ्टर द सर्जरी IOP और ICP कम करने के लिए आप इसको काम में ले सकते हो, ठीक है। कोई केस आया है हॉस्पिटल के अंदर RTA का, जिसको हम बोलते हैं रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, या फिर फॉल इंजरी का केस आया कि भाई उसको हेड इंजरी हो गई थी, ठीक है, और उसका इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ गया, तो उस इंट्राक्रेनियल प्रेशर को कम करने के लिए भी आप काम में ले सकते हो। दूसरा जो मैंने आपको पिछली डायूरेटिक में बताया था ग्लूकोमा, ठीक है, जिसके अंदर ICP बढ़ रहा था एक्वस ह्यूमर प्रोडक्शन ज़्यादा होने की वजह से, तो उस कंडीशन के अंदर भी आप काम में ले सकते हो मैनिटोल को, ठीक है। बाकी जो डायबिटिक थी उनको अपन कहीं ना कहीं एडिमेटस कंडीशन के अंदर यूज ले रहे थे, लेकिन जो मैनिटोल है उसके बारे में ध्यान रखना, अगर क्रोनिक एडिमेटस कंडीशन है तो उसके अंदर मैनिटोल का यूज नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि यह हाइपरटोनिक होती है। बात समझ में आई? और ना ही इसको एज अ नेट्री यूरेटिक काम में लेंगे, यानी कि ना ही इसको सोडियम को बाहर निकालने के लिए काम में लेंगे। नेट्री यूरेटिक बोलूँ तो एक्सक्रीशन ऑफ द सोडियम थ्रू द यूरिन। यहाँ तक बात समझ में आया? तो ना तो इसको क्रोनिक एडिमा की कंडीशन में यूज लेना है आपको, और ना ही नेट्री यूरेटिक की कंडीशन में लेना है। इसको बस आपको वहीं काम में लेना है जहाँ भी ICP और IOP बढ़ने के चांसेस हो। यहाँ तक बात क्लियर है? तो आज का हमारा टॉपिक डाई यूरेटिक यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।